लड़के बुरे वाला तो पहुंच गया, कोई अपडेट नहीं की। मतलब कोई तो मतलब वीडियो बनाता है बंदा घर जाके। अरे लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आया था ज़रा इधर बुरे वाला, एज यू गाइज नो। तो अभी उमेर भाई से मिले हैं, मैं पहुंच गया था बस ना, तब थोड़ा एम्बेरसिंग सा फील हो रहा था, थकावट हो रही है, वीडियो नहीं बना सका। तो अभी हम मैं और उमेर भाई हैं इधर। उमेर नहीं, दरअसल हम तीन जने हैं, मैं, उमेर और रिजवान, ये भी हमारा एक बॉय है। तो ये भाई हैं हमारे साथ। तो हम लोग आए थे ज़रा इधर पिज़्ज़ा खाने। अगर आपको लग रहा है कि लड़का शो मार रहा है तो आप सही समझ रहे हैं, लड़का शो ही मार रहा है। इसी के तो पैसे हैं। फोकस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बोए औकात से इन कपड़ों से बाहर हो चुके हैं। डंगरों की तरह खाया है। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं आया था ज़रा बुरे वाला पिछले दिनों कल। तो हम अभी उठे थे, हमने कहा चलो मॉर्निंग वॉक पे आए, और मॉर्निंग वॉक पे हम आए हैं इधर ज़रा ट्रैक पे। तो अभी ज़रा चल रहा है, हम शूटिंग रेंज पे आए हैं और शूट चल रहा है। तो अभी ज़रा आप वो देखो। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये हमने कुछ शूट किया था छोटा मोटा, और ये भाई के साथ बहुत है। आप अगर बुरे वाला आए ना, तो मतलब रिकमेंडेड यही करूँगा कि अगर आपको लाइक्स वाइक चाहिए और काफ़ी अच्छा फोटोशूट चाहिए, तो ऐसे ट्रेन वाले ट्रैक पे आ जाओ, बहुत प्यारा शूट होता है, भाई ने बताया। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, कल मैं आ गया था अल्हम्दुलिल्लाह बुरे वाला, काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। और रात में हम गए थे 5-6 पे, तो वहाँ हमने वीडियो बना ली थी। तो कल शाम में ना, मैं इसलिए वीडियो नहीं बना सका क्योंकि काफ़ी एम्बेरसिंग से हालात थे, आपको दिखा नहीं सकते थे। तो मुझे तो काफ़ी चिल हुआ है। उमेर भाई, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? अल्हम्दुलिल्लाह, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। आई होप कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह। बाकी आप भी इंशाल्लाह बोल देंगे इंशाल्लाह। इस वक्त इसको नहायत ही जल्दी है, और ये इसकी गली है माशाल्लाह से। इधर काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ रहा है यार यहाँ तो। थोड़ा क्लोज कर ला। और बॉयज एंड गर्ल्स, अभी हमारे साथ हैं बुरे वाला के RDX के डॉन, पेशे खिदमत हैं। नाम बोले सर अपना। सर सर, ये है RDX के डॉन, और ये उनके राइट हैंड असिस्टेंट कमिश्नर। लेडीज एंड जेंटलमैन, अभी हम आए जरा ये पूरे वाला के उस पे, क्या नाम, बस स्टैंड पे। तो हमने सोचा अभी जरा भाई हमें धक्का दें, धक्का देने के लिए आ रहे हैं। तो अभी हमारी बस आई नहीं है, आधा घंटा पड़ा है, तब तक हम चिल करने जा रहे हैं बाजार में। भैया, जब आप किसी के घर जाते हैं तब आपको पता लगता है कि वाईफाई भी कितनी बड़ी नेमत है, जैसा कि मुझे इनके घर जाके पता लगा है। हमारे घर तो अल्हम्दुलिल्लाह लगा हुआ है, बरहाल यू नो। तो बस आ गई है, टिकट भी आ गई है हमारे पास, हमारे बडीज़ हैं दोनों हमें छोड़ने आए हैं, तो हमें वेलकम कर दें, बाय कर दें। ठीक है सर, मिलते हैं फिर। ओके।
अच्छा, जब मैं मेलसी और बुरे वाला के साइड गया था ना, मतलब कि ट्रैवल कर रहा था, तो उधर मैंने एक नोटिस चीज़ की कि वो उस साइड पे ना मकई की बहुत काश्त होती है, मतलब बुरे वाला और मेलसी की साइड पे। तो सीन ये था कि वहाँ मकई की काश्त करने के बाद जो छिलका होता है और जो जड़ें होती हैं वो वहीं फसलों में रह जाती हैं, और मकई को निकाल लिया जाता है। उन जड़ों को निकालने के बजाय उधर आग लगा दी जाती है ताकि वो फर्टिलाइज़र का काम देते हैं, आई थिंक। तो मैंने सोचा बता दूं जी के फैक्ट्री, यू नो, स्मार्ट गाय। पहले बस में बैठ चुका था तो मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाई, ताकि काफ़ी एम्बैरेसिंग से हालात आ जाने थे, तो हमने कहा भी ज़रा चुप करके बैठ जाते हैं। तो अब हम बैठ चुके हैं काफ़ी, अल्हम्दुलिल्लाह विहाड़ी क्रॉस कर, विहाड़ी में पहुंच गए हैं बस स्टैंड पे। तो बस मेल सी मीक भाई में आ रहा हूँ बस, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। अक्सर बसेस का ये सीन होता है कि जब तक वो फुल नहीं होती आगे नहीं निकलते। तो बिहाड़ी स्टैंड पे खड़ी है, तो दुआ कर दीजिए जल्दी निकल जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरी बस खाली है, बाकी स्टैंड पे भी देखें कुछ खास नहीं है। तो मैंने शायद पहले आपको ना बताया, क्योंकि मैं अकेले सफ़र ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो जब करता हूँ फिर पूरे सच के करता हूँ, मतलब कि वैसे मैं लोकल बसेस में जाता हूँ जैसे होती हैं, ठीक है जैसे होती हैं। तो जब अकेला होता हूँ फैमिली के अलावा, तो फिर भाई आपका शशके मारता है, चाय वो कर लेता है ये वो, तो मैं ज़रा सफ़र इंजॉय करूँगा रेवड़ियों के साथ, आप भी इंजॉय करें वीडियो। तेरी मेहरबानी करे आ जा, कर जा ना। नहीं तो हो गया स्टार्ट या वेला। लेडीज एंड